नमस्ते दोस्तों, आज हम ओशो जी के विचारों के बारे में जानेंगे। सुख का लालच ही नए दुख का कारण बनता है। जहां भय समाप्त हो जाता है वहां जीवन शुरू होता है। जीवन में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। बड़ा मुश्किल है उस इंसान को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ भी नहीं। खुशियों के लिए साधन की नहीं संतोष की जरूरत होती है। कल पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। सबसे बड़ा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की अनुमति पर निर्भर करती हैं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वो हमेशा जीभ पर आ जाता है। मूर्ख लोग दूसरों पर हंसते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग खुद पर हंसते हैं। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। जब किसी चीज़ में प्यार और नफरत नहीं होती है तो वह चीज़ साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। डर के रास्ते पर मत चलिए, खुशी और प्रेम के रास्ते पर चलिए। हमें किसी के साथ प्रतियोगिता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। हमें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम होता है। सितारों को देखने के लिए एक निश्चित समय तक अंधकार की ज़रूरत है। सत्य बहुत ही खतरनाक है, उनसे सावधान रहना, क्योंकि जिसके भी भ्रम टूटे हैं उनका जीवन मुश्किल हो जाता है। मुश्किल अगर आ गई है तो घबराने से क्या होगा, उससे निकलने के तरकीब निकालो। भूत और भविष्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्के का नाम दिमाग है। एक गंभीर आदमी कभी मासूम नहीं हो सकता, और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपनी स्वयं की दृष्टि में क्या हूँ। दूसरों की इतनी चिंता मत करो, क्योंकि यह चिंता तुम्हारे अपने विकास को रोकती है। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती, बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से बढ़ती है। संस्कार ही अपराध को रोक सकते हैं, सरकार नहीं। ध्यान एक फूल है और दया इसकी खुशबू। प्रेम तब खुश होता है जब वह दूसरों को कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वह किसी से कुछ ले पाता है। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। ढूंढना है तो जिंदगी ढूंढो, मौत तो वैसे भी एक दिन ढूंढ लेगी। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो राजा और जो फंस गया वो भिखारी। ठोकरे खाकर भी जो न संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। जरूरत से ज़्यादा सोच खुशियाँ छीन लेती है। ध्यान रखना, अकेले आना है, अकेले जाना है, तो बीच के इन दिनों में अपने आप को भीड़ से मत भरो। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसका आनंद लेना। दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीज़ों के लिए क्यों सीमित करना। मित्रता सबसे शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम का उच्चतम रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता है, कोई भी शर्त नहीं होती है। कोई चुनाव मत करिए, जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही हठी होगा। प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक घटना है और अहंकार मनोवैज्ञानिक घटना है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, किस विचार से आप ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।